नमस्कार। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो एडवर्ड लास्कर और जॉर्ज एलन थॉमस के बीच हुआ था। ये गेम एक्चुअली बहुत ज्यादा मायने रखता है अगर हम पुराने गेम्स की बात करें जिनमें कि बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस आए थे। तो एडवर्ड लास्कर की अगर हम बात करें तो एमैनुअल लास्कर के रिलेशन में थे, थोड़ा दूर का रिलेशन था उनका, लेकिन ऑब्वियसली एक ही फैमिली से दो इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे। एमैनुअल लास्कर सबको पता है वर्ल्ड चैंपियन थे सेकेंड। सो हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं क्विकली। जो गेम स्टार्ट हुआ वो d4 e6 नॉर्मली ओपनिंग मूव ऑर्डर में हम अगर देखें तो नाइट f3 f5 और नाइट c3 खेला यहाँ पे। हालांकि जो मेन लाइन है डच डिफेंस का, जब हम बात करते हैं डच डिफेंस की तो उसमें एक सिस्टम आ सकता है कि आप c4 f5 g3 नाइट f6 bg2 नाइट f6 इस वेरिएशन में। एक बात अलग है कि इसमें नाइट f3 डिले किया हुआ है, तो यहाँ पर एक्चुअली आपको नाइट f3 नहीं आने से d5 जल्दी कमिट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे c6 मेरे हिसाब से थोड़ा राइट कंटिन्यूएशन है। अगर आप d5 खेलोंगे तो उसमें e5 स्क्वायर को वाइट जो है वो कोशिश कर सकता है, क्योंकि नाइट f3 डेवलप नहीं किया हुआ है। तो मैं नाइट d2 नाइट f3 आ सकता हूँ और उसके बाद इस नाइट को मैं h3 f4 d3 ला सकता हूँ, जिसमें मैं बाद में f3 को e5 पे पोस्ट कर दूंगा। सो दोनों ही नाइट e5 को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर उसने इस वेरिएशन में नाइट f3 पहले ही कमिट कर दिया है तो उसके बाद f5 और अब वो वेरिएशन एक्चुअली नहीं आ सकता है, बिकॉज इस नाइट को वापस से मैन्युअल करना d3 तक बहुत मुश्किल जाएगा। सो हमेशा ध्यान रखना चाहिए ओपनिंग ऑर्डर का ऐसे। यहाँ पे नाइट f3 के बाद f5 खेला, नाइट c3 आया वाइट। ऑब्वियसली आइडिया जो है वो e4 खेलने का है अभी नेक्स्ट मूव। यहाँ पर नाइट c3 की जगह g3 भी ऑप्शन था, ऑब्वियसली उसी वेरिएशन में हम जा सकते थे नाइट f6 bg2 इसमें, लेकिन नाइट c3 खेला, नाइट f6 bg5 बिशप e7 बिशप कट f6 बिशप इनटू f6 और e4। देखा जाए तो स्टाउंटन गैम्बिट के नाम से पहचानते हैं लोग सभी इसमें। वैसे देखा जाए तो d4 f5 e4 इमीडिएटली जो सेकंड मूव आता है वही स्टाउंटन गैम्बिट होता है, लेकिन इसमें e6 खेला हुआ था फर्स्ट मूव तो e4 आया नहीं, लेकिन e4 सिक्स मूव पे आया हुआ है। सो fe4 नाइट इनटू e4 b6। यहाँ पर वैसे नेचुरल मूव मुझे नाइट इनटू e4 के बाद कैसल लग रही थी, क्योंकि उसके बाद आप बिशप d3 क्वीन e2 लॉन्ग कैसल h4 नाइट g5 ऐसा आप जा सकते थे, लेकिन गेम में b6 खेला जॉर्ज एलन थॉमस ने। और b6 का आइडिया सिंपल है, बिशप b7 डेवलप कर रहा है ब्लैक, क्योंकि कुछ कंडीशंस में आप d6 खेलोगे तो e6 वीक लग रहा है। सो b6 खेला यहाँ पे एनी फाइव खेलते से आप देख सकते हैं कि इसमें क्वीन h5 आ रहा है। और एक ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे ही आपको अटैकिंग पॉसिबिलिटीज थोड़ी भी लग रही हैं तो आप अपने मेजर पीसेस को किंग साइड के एरिया में रखो, खासकर किंग के सामने रखो, ताकि आपको अटैक करने के लिए बहुत अच्छे चांसेस बनते रहे। तो यहाँ पे कैसल किया, ऑब्वियसली क्वीन h5 आ रहा था, bd3 आप देख सकते हैं इनडायरेक्टली h7 पे टारगेट है, बिशप b7 और क्वीन h5। यहाँ तक आते आते ये पोजीशन एक्चुअली नॉर्मल लग रही है, मतलब ठीक है वाइट के पास अभी लग रहा है हमको कि अटैकिंग पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर हम बात करें उस जमाने के चेस की तो इतने ज्यादा वहां पे उस टाइम पे थियरी अवेलेबल नहीं थी, या फिर इंजिन तो ऑब्वियसली नहीं थे और इतना ज्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं था उनके, तो उनके पास नेचुरल गेम रहता था हमेशा। लेकिन यहाँ पर क्वीन h5 के बाद जैसे ही उन्होंने क्वीन h5 खेला तो अभी आप देख सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स लग रहे हैं ब्लैक के लिए, बिकॉज ये तीनों ही पीस एक्चुअली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं इतना ज्यादा। मतलब बिशप इनटू e4 आप खेल सकते हो, लेकिन उसके बावजूद c6 खेलना पड़ेगा या d5, और दोनों में ही वाइट बेटर है। और बिशप इनटू e4 इमीडिएटली तो आ भी नहीं रहे क्योंकि h7 और 8 दोनों पे प्रॉब्लम है, डबल अटैक आएगा। तो यहाँ पर ब्लैक को एक बात क्लियर थी कि अब जो थ्रेट है वो ये कि नाइट f6 मार के h7 मेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्वीन e7 खेला ब्लैक ने, हालांकि क्वीन e7 के अलावा बहुत अच्छे मूव्स थे यहाँ पे, जैसे कि एक g6 था जिसमें आप ज्यादा में ज्यादा नाइट इनटू g6 h इनटू g6 क्वीन g6 मार सकते हो। और अगर bg7 जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक रिपीटेशन का ऑप्शन है कि नाइट d6 खेलो आप, सी कट d6 को क्वीन चेक, किंग f7 को वापस क्वीन चेक आ रहा है और ये पोजिशन
लेकिन ऑब्वियसली लास्कर का कोई मूड नहीं होगा इस पोजीशन को ड्रॉ करने का, क्योंकि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन लग रही है। तो जी सिक्स को अगर हम मारते भी है तो भी एक ऑप्शन था, अदरवाइज आप क्वीन जी फोर आ सकते हो वापस, जिसमें बाद में हम h4 h5 करके इसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा पोजीशन लग रहा था वाइट के लिए। और दूसरा ऑप्शन था क्वीन h5 के बाद कि आप बिशप इन टू e5 मार दो। ये एक्चुअली ज्यादा बेटर है क्योंकि आप पीसेस को एक्सचेंज कर दोगे तो उसके पास इतने ज्यादा एक्टिव आइडियाज नहीं रहेंगे। तो डी का d5, रुक f5, और इसमें क्वीन g4 अगर आप खेलते तो रुक इन टू e5 पॉन मर रहा था। ये एक्चुअली सबसे बेस्ट वे था क्वीन h5 के बाद खेलने का। लॉन्ग कैसल में भी Na6 c3 Nb4 को स्टॉप करना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट बिशप चला जाएगा। और क्वीन e7, ये पोजिशन मुझे लगता है इक्वल थी एटलीस्ट, या मे भी आप बोल सकते हो क्योंकि ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है तो स्लाइटली बेटर फॉर ब्लैक। लेकिन गेम में क्वीन e7 खेला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टॉप मोस्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल था लास्कर के लिए। मैं चाहूंगा आप भी खुद पॉज करके आप देख सकते हैं कि गेम में एक्चुअली क्या हो रहा है, और नॉट जस्ट पहली या दूसरी मूव या तीन मूव। मुझे लगता है जो लास्ट मूव थी, अगर आपने वहां तक कैलकुलेट कर लिया तो डेफिनेटली ये मानेंगे कि हाँ, हम लोग सच में, हमारे पास कैलकुलेशन के लिए अच्छा डेप्थ है। सो आपको कैलकुलेट करते टाइम आप पीसेस मूव नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, आप नॉर्मली क्लॉक में टाइम सेट कर सकते हैं 5 मिनट या 10 मिनट, और उसमें आप कोशिश कर सकते हैं, हो सके तो मूव्स आप जो सोच रहे हैं वो लिखिए कि बाद में आप वेरीफाई कर सकते हैं कि मैं क्या सोच रहा था और एक्चुअली क्या हुआ गेम में। तो Qe7 खेला यहाँ पे, और जैसे ही Qe7 खेला वैसे आप देख सकते हैं इसके बाद क्वीन इंटू h7 बहुत ही स्ट्रांग मूव आ रही है। क्वीन इंटू h7 के बाद ये जो क्वीन सेक्रीफाइस है, फोर्स टेकिंग इनटू h7 इज ओनली मूव। नाइट इनटू f6, ऑब्वियसली नाइट g5 नहीं जा सकते थे यहाँ पे क्योंकि इसमें किंग h8 भी चल रहा है, किंग g8 नहीं चल रहा है एक्चुअली, क्योंकि किंग g8 में एक प्रॉब्लम है कि बिशप h7 चेक आ रहा है, किंग h8 और मेट हो रही है, लेकिन किंग h8 चल रहा है क्योंकि इसमें आप ज्यादा में ज्यादा क्वीन मार सकते हो, लेकिन ये पोजिशन फिर भी ब्लैक को बेटर रहनी चाहिए। सो ऑब्वियसली वो नहीं चल रहा था नाइट g5, और नाइट इंटू f6 खेला 12th मूव पे। किंग h8 नहीं जा सकते हो आप बिकॉज नाइट g6 मेट हो रही है, सो किंग h6 खेला ब्लैक ने। और किंग h6 के बाद यहाँ पे नाइट e g4 और नाइट fg4 दोनों चेक आ रहे हैं, पर नाइट e g4 करेक्ट है, किंग g5 ओनली मूव। h4 के अलावा यहाँ पे एक्चुअली f4 भी करेक्ट था क्योंकि F4 में आप देख सकते हैं मारना फोर्स्ड है, ऑब्वियसली आप किंग h4 जाओगे तो और चेक आ रही है और बाद में उसमें भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप किंग h4 जाते हो तो g3 आ रहा है, और किंग h3 को डेफिनेटली बिशप f1 चेक आ रहा है, और बिशप g2 को नाइट f2 मेट हो रहा है। सो f4 भी एक्चुअली चल रहा था, लेकिन f4 को अगर मार दिया आपने तो यहाँ पे g3 चेक आ रहा है, और अभी आप देख सकते हैं किंग g5 को h4 मेट हो रही है, और अगर आप g3 के बाद किंग f1 आते हैं तो शॉर्ट कैसल करके भी मेट हो रही है। ये एक बहुत ही अलग पोजीशन लग रहा है जिसमें एक्चुअली शॉर्ट कैसल करके भी मेट हो रही है। सो ये एक पॉसिबिलिटी थी f4, लेकिन गेम में h4 खेला लास्कर ने, और यहाँ पर ये फोर्स्ड है, किंग f4 g3 किंग टू f3 बिशप e2 और आफ्टर किंग g2 रुक h2 चेक आ रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि किंग g1 आने के बाद ये जो पोजीशन है इसमें आप देखिए कि कैसे किंग जो है वो पहले g8 पे आया कैसलिंग के बाद, फिर h7 आया क्वीन सेक्रीफाइस, फिर g6 फोर्स हुआ, इसमें जब हमने नाइट f6 चेक दिया था, सॉरी h6 आया इसमें, और h7 के बाद ये जो किंग ऊपर ऊपर आया है इसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आपको, और फोर्सफुली हुआ वो सब। ये बहुत ही लाजवाब बात हुई थी इसमें कि कैसल किंग को उस पोजीशन पे हमने ला लिया जहाँ पे नेचुरली हमारा किंग रहना चाहिए, व्हाइट का किंग रहना चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग कैसल करके भी मेट हो रहा है इस पोजीशन में। सो लास्ट मूव तो जो थी एक्चुअली उन्होंने किंग g1 के बाद किंग d2 खेला था लास्कर ने, और ये मेट हुआ। लेकिन इसमें दो तीन बातें बहुत ही थी, एक तो क्वीन सेक्रीफाइस है, नॉर्मली क्वीन सेक्रीफाइस वाले गेम्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते हैं,
दूसरा आप देख सकते थे कि एक मोमेंट पे शॉर्ट कैसल करके भी मेट हो रहा था, लॉन्ग कैसल करके भी मेट हो रहा था, और उसका किंग जो है वो जीवन स्क्वायर पे, जो कि नेचुरली वाइट किंग के लिए रहता है, जीवन पे आके एक बार देखा जाए तो जीवन पे आके ही उसको डेथ मिल गई। तो किंग जीवन के बाद किंग डी टू और मेट हो रहा है सिंपली। तो बहुत ही मुझे लगता है कि ऐसे गेम्स जो हैं वो चेस को और पॉपुलर करते हैं। और अगर हम बात करें और अच्छे गेम्स की, तो वैसे देखा जाए तो लास्कर एक उस टाइम बहुत अच्छे, मतलब एक इंटरनेशनल मास्टर की कैटेगरी के प्लेयर थे, और उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी। उन्होंने चेस के अलावा एक गो करके गेम आता है वो, उस पर भी लिखा था। लास्कर ने भी, इमैनुअल लास्कर ने भी उस पर लिखा था ऑब्वियसली। तो एक बहुत अच्छा देखा जाए तो उनका लेवल था उस टाइम पे। और इस गेम से आपको समझ ही आ गया होगा कि एडवर्ड लास्कर भी एक्चुअली बहुत अच्छे प्लेयर थे। और बहुत जल्दी हम बाकी गेम्स भी देखेंगे। ये गेम वैसे मुझे एक शेखर सिरसाट है, फ्रेंड भी है मेरे, उन्होंने सजेस्ट किया था। आपको भी कोई गेम लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि डेफिनेटली उसको हम उस पर हम वीडियो बनाएं। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू, बाय।